हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक अग्रवाल और मैं हूँ सीएसएस दीपक अग्रवाल और वी आर कमेंसिंग आर सेकंड क्लास ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में हम लोग ने फेजेस ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सुना, स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सुना कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या तीन स्टेप्स इन्वॉल्व है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। तो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, हाउ मनी लॉन्ड्रिंग हैपन्स दैट वी नो, बट हाउ टू प्रिवेंट इट। अब ये प्रिवेंट कैसे किया जाएगा? अब मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है कि देर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज क्या हो रहा है, खाली इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में इलीगल एक्टिविटीज बढ़ते चला जा रहा है। तो इस चीज़ के कारण क्या हुआ ना, वर्ल्ड के जितने भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है ना, उसमें डेंट पड़ने लग गया। बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग खाली ये नहीं कि इंडियन पीपल लोग करता है, बहुत लोग करता है, पूरा वर्ल्ड कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, अगर आप आर्म्स में डीलिंग कर रहे हो, अगर आर्म्स में डीलिंग करते हैं आप, उसके बाद क्या करते हैं, उसका जो प्रोसीड्स होता है वो तो कैश में ही आता है ना, तो उस कैश को एक कंट्री से दूसरा कंट्री में ले जाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है, शेल कंपनीज बनाना पड़ता है, जैसे कि हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद वो पैसा वापस आ जाता है इकोनॉमी में, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा डेंट पड़ता है और बहुत सारा मनी अनटैक्स रह जाता है, अनटैप्ड रह जाता है। और साथ ही साथ अगर ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी यूज़ होता है, टेरर फाइनेंस मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे कि मुंबई में जब 26/11 हुआ था तो क्या हुआ था, जैसे 9/11 हुआ था ऐसे यहाँ पे 26/11 हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, मुंबई में बहुत सारे टेररिस्ट लोग आ गया था पाकिस्तान से, और यहाँ पे मुंबई में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ किया था, जिसके कारण बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था और फिर उन लोग को मार गिराया गया था, जिसमें से एक अजमल कसाब था। तो उन लोग को फंडिंग कहाँ से मिला होगा, वो लोग इंडिया में तो आ गया लेकिन उन लोग को पैसा कहाँ से मिल रहा होगा, तो वो लोग कहीं का सपोर्ट लिया, लोकल आदमी लोग का सपोर्ट लिया, और क्या टेररिस्ट एक्टिविटी कैसे किया, ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग से वो लोग क्या किया, पाकिस्तान से इंडिया में पैसा आ गया और वो सारा अपना एक्टिविटीज वो लोग कर रहा था, आर्म्स, एम्युनिशन, वो लोग को सब चीज़ यहाँ पे मिल गया, समझ गए, मतलब कि खुद अकेला आ गया वो लोग एज सुसाइड बॉम्ब्स, और उसके बाद यहाँ पे फट गया आके। तो ये जो एक्टिविटी है, इसको रोकने के लिए वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, बड़ा बड़ा सुपर पावर लोग का 7 कंट्रीज लोग हैं, वो लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, 1989 में, और जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में, फ्रांस भी एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन में भी उसका वीटो पावर है फ्रांस का। तो फ्रांस भी क्या है, बहुत बड़ा सुपर पावर है। तो ये G7 कंट्रीज का है। G7 कंट्रीज में 7 मेन कंट्रीज है, ठीक है, तो ये अपने लिख के रख लेंगे, बिकॉज अपने अपने सिलेबस में FATF है, तो इसीलिए हम लोग ये आपका 7 कंट्रीज का नाम जान के रखेंगे, बिकॉज ये लोग फाउंडर है, ठीक है, ये लोग फाउंडर है इसके। तो 7 कंट्रीज में कौन कौन है पता है, जापान, कैनेडा, ठीक है, कैनेडा, और कौन है बोलिए, और है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के बाद है यूनाइटेड नेशन, लेकिन यूनाइटेड नेशन एक कंट्री नहीं है, मतलब एक ऐसा एसोसिएशन है, तो ये 8th मेंबर बोलते हैं इसको, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन है ना, इसलिए इसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, जिसको वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले जापान, अच्छा से लिखते हैं इसको, जापान, उसके बाद कैनेडा, नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। और जो एक और है ना, 8th मेंबर वो मेंबर नहीं है, एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन। तो बेसिकली क्या ये सेवन कंट्रीज क्या किया, एकजुट हो गया, दे फॉर्म्ड अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया इन ऑर्डर टू लुक ऑल इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी विच हैज़ बीन हैपनिंग इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये क्या किया ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करेगा, अलग अलग कंट्रीज जो जैसे USA है, UK है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, कैनेडा है, जापान है, ये लोग क्या करेगा, फोर्स करेगा जिन लोग से भी ये ट्रेड करता है ना, बोलेगा हम लोग तुम लोग से तभी ट्रेड करेंगे अगर तुम लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में दिया हुआ जो गाइडलाइंस ना उसको फॉलो करता है तभी हम लोग तुम्हारे संग ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सोचिए इतना बड़ा बड़ा इकोनॉमी है और ये लोग ट्रेड नहीं करेगा अगर आप लोगों से, तो क्या करेगा, उस कंट्री का इकोनॉमी खराब हो जाएगा, उसको लोन नहीं मिलेगा, उसके संग ट्रेडिंग नहीं होगा, उसके संग बिजनेस नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा इकोनॉमी का, इकोनॉमी खराब हो जाएगा, इकोनॉमी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, सब लोग ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो ये लोग क्या बनाया, ये लोग बनाया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो ये लोग क्या बनाया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF और GAFI। अब क्या ना, आप लोगों को जैसे बताया ना कि व्हाट आई टोल्ड यू कि इन लोग का जो मेन ब्रांच था ना वो फ्रांस में था, तो इसीलिए क्या फ्रेंच में इसको गफी बोला जाता है, लेकिन ये FATF, तो इसको दोनों नाम से पुकारा जाता है, FATF और गफी। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल या फिर इसको इंटर गवर्नल भी ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इसको अलग अलग कंट्री का गवर्नमेंट, इसका अलग अलग मेंबर, इसका चेयरमैन है। तो ये लोग जो सेवन कंट्रीज है ना, जी सेवन कंट्रीज लोग इसको पूरा फॉलो करता है, मतलब इसका पूरा जितना भी गाइडलाइंस है सब करना है वो G7 कंट्रीज लोग करता है। मतलब ये FATF का मेन गवर्निंग बॉडी क्या हो गया, G7 कंट्रीज। अब G7 कंट्रीज में अलग अलग, मतलब ये जो FATF है, ये G7 जो कंट्रीज है, ये लोग अलग अलग चीज का, अलग अलग जगह का मेंबर, जैसे IMF का भी मेंबर्स है, ये लोग वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर्स है, यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर्स है। तो सोचिए कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है ये FATF। तो ठीक है, व्हाट डज FATF डू, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बदले भी इसको क्या बोल सकते हैं, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस FATF, FATF का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, FATF का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू इश्यू गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क टू वेरियस गवर्नमेंट, ठीक है, टू वेरियस गवर्नमेंट टू फॉलो
टू प्रिवेंट और फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अरे एकदम जबरदस्त टॉपिक है, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, G7 कंट्रीज मिला, G7 कंट्रीज मिल के क्या हुआ, एक जगह बैठा फ्रांस में और बोला कि यार ये मनी लॉन्ड्रिंग तो बहुत ही डेंजरस चीज है, दिस मनी लॉन्ड्रिंग इज टू मच, सो वी शुड प्रिपेयर अ पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क विच एवरी कंट्री शुड फॉलो इफ दे वॉन्ट टू ट्रेड विथ अस, एवरी कंट्री शुड फॉलो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बॉडी बना देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे FATF और GAFI। गफी इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज फ्रेंच पीपल लोग उसको गफी बोलता है और उसके बाकी सारा कंट्री उसको FATF बोलता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन मोटिव क्या है, इट फॉर्मुलेट वेरियस पॉलिसीज इन ऑर्डर टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग और टू अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो मतलब इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन पॉलिसीज ऑफ एनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विच एवरी कंट्री शुड फॉलो अदरवाइज दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम और दे विल स्टॉप ट्रेडिंग विद देम। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये FATF क्या करता है ना, अब मान लीजिए FATF का मेंबर इंडिया है, हाँ इंडिया भी मेंबर है FATF का, इंडिया इज द मेंबर ऑफ FATF, ठीक है, बिकॉज इंडिया फॉलोज द पॉलिसीज of framework issued by the FATF। बिकॉज क्या करता है ना, इंडिया अपने आप को वो पॉलिसीज और फ्रेमवर्क अपना कंट्री में इम्पोज मतलब कि अपना कंट्री में फॉलो कर लिया बाय मतलब जो FATF गाइडलाइंस दिया ना, FATF जो गाइडलाइंस दिया वो इंडिया उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए इंडिया को भी मेंबर बना दिया गया FATF का और इंडिया को बोल दिया गया कि हाँ यू आर अ मेंबर ऑफ FATF। अब हम आप अगर मान लीजिए इंडिया FATF का मेंबर हो गया तो क्या करेगा, उसको जल्दी लोन मिलेगा बिकॉज वो ऐसा एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहा है, दे आर नॉट डूइंग सच एक्टिविटीज which are against the policies of FATF, that means they are a country which is not into money laundering, because India is a country which is not into money laundering, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, जो ये FATF organization है ना, FATF ये क्या करता है ना, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट बना के रखता है, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। अब क्या है ना, ब्लैक लिस्ट क्या होता है मतलब कि वो कंट्री जो मतलब कंप्लीटली मतलब ये फॉलो नहीं करता है ये पॉलिसी को, कंप्लीटली फॉलो नहीं करता है FATF का पॉलिसी को और उसके संग किसी को भी काम नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर कंप्लीटली इनटू मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग क्या हो गया, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है, टेररिस्ट लोग को फंडिंग मिल रहा है। तो इसमें कौन कौन सा कंट्री है, इसमें कौन कौन सा कंट्री है ब्लैक लिस्ट में, एक है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, एक है इराक और एक है म्यांमार पता है ना, बर्मा। म्यांमार इज ऑल्सो अ कंट्री विच इज ब्लैकलिस्टेड बाय दी FATF। FATF अगर मान लीजिए खाली तीन ही कंट्री है जो कि ब्लैकलिस्ट है। और ग्रे लिस्ट क्या होता है ना, एक वार्निंग साइन होता है, वार्निंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ वार्निंग साइन, मतलब अगर वो गाइडलाइंस है ना, जैसे कि मान लो गाइडलाइंस जो दिया हुआ है, गाइडलाइंस ऑफ FATF आर नॉट फॉलोड एंड सम टाइम लिमिट विल बी गिवन, टू फॉलो द गाइडलाइंस टू रिमूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट।
अब क्या ना इंडिया क्या बोलता है ना, इंडिया ऑलवेज से वर्ल्ड में जा जाके बोलता है कि FATF का ब्लैकलिस्ट में है ना आप पाकिस्तान को डाल दीजिए, बिकॉज पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग करता है और हमारे कंट्रीज में टेररिस्ट लोग को भेजता है, जिसके कारण हम लोग का कंट्री को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो टेरर फाइनेंसिंग मतलब कि अपने कंट्री में टेररिस्ट लोग को बिठाना और उन लोग को फाइनेंसिंग करना और उन लोग को प्रमोट करना, टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करना। तो पाकिस्तान इज इंटू टेरर फाइनेंसिंग। तो बेसिकली क्या हुआ था ना, ये पाकिस्तान को ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इंडिया ना ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, बट दे आर रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। अब क्या करें, आप लोग के सिलेबस में इसको डाल दिया गया FATF को, तो पूरा अच्छा से समझाना चाहिए ना, पूरा अच्छा से समझाना चाहिए। अब बेसिकली क्या है ना, ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्यों रिमूव किया गया, अब इसके लिए आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा ना, जियोपॉलिटिकल पूरा क्या क्या मतलब क्या सिनेरियो है, सोवियत यूनियन क्या है, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन क्या है, फिर उसके बाद कोल्ड वॉर क्या है, ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा, इंडिया का स्टैंड देखना पड़ेगा। बेसिकली क्या करता है ना, पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत अच्छा दोस्त है और चाइना का भी अच्छा दोस्त है। तो चाइना पाकिस्तान को अपना दोस्त बना के रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इंडिया के ऊपर प्रेशर है, इंडिया के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि क्या हो गया, चाइना और पाकिस्तान दोनों ये जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट्स को ले रखा है, अक्साई चीन जिसको बोलते हैं हम लोग, अक्साई चाइना मतलब चाइना चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, सम पार्ट्स ऑफ आर कंट्री हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय बोथ ऑफ दिस कंट्रीज, जिसके कारण वॉर चल रहा है, LOC में बहुत हर समय प्रॉब्लम चलता है। तो इंडिया क्या कर रखा है, इंडिया इसी लेकर चाइना से दबाव नहीं आए, पाकिस्तान से दबाव नहीं आए और यूनाइटेड स्टेट्स से दबाव नहीं आए, बिकॉज चाइना यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दुश्मन है, ठीक है। इसलिए चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान का दोस्त बन रखा है। तो बहुत जबरदस्त मतलब की कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को रिमूव कर दिया ग्रे लिस्ट से। अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे पाकिस्तान का इकोनॉमी भी बहुत बुरा हालत में है, तो इस हालत से सुधारने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया ब्लैकलिस्ट से और बोला कि ठीक है आप लोन ले पाएंगे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ये सब से आप लोन ले पाएंगे। अगर आप ग्रे लिस्ट में है तो भी लोन नहीं दे पाता है कोई भी गवर्नमेंट, ब्लैक लिस्ट में तो देता ही नहीं है। और ग्रे लिस्ट में क्या होता है, वार्निंग साइन हो गया तो इतना सारा कंट्रीज है लोन देने के लिए, क्यों ग्रे लिस्टेड कंट्री को दिया जाए। ग्रे लिस्ट में बहुत सारा कंट्रीज है, अपने जब FATF का साइट खोल के देखेंगे ना तब अच्छा से पता चलेगा कि कौन कौन सा कंट्री ग्रे लिस्ट में, कौन कौन सा कंट्री आपका ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में ये तीन ही कंट्री है, नॉर्थ कोरिया, इराक एंड म्यांमार। और ग्रे लिस्ट में क्या है, टोटल 20 या 25 कंट्री है, जिसमें पहले पाकिस्तान था लेकिन अब रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अभी UAE को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, UAE, जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE को आपका ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, बिकॉज क्या है, ये इराक को, गल्फ कंट्रीज क्या करता है, इराक को ज्यादा फंडिंग करता है, इसलिए इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, बिकॉज ये इराक को हेल्प कर रहा है, इराक को, सीरिया को, टेररिस्ट एक्टिविटी में ये अपना फंडिंग दे रहा है, जो मतलब जो कंट्रीज टेररिस्ट लोग को फाइनेंस करता है उन लोग को फंडिंग दे रहा है। जैसे पाकिस्तान को भी बहुत फंडिंग देता है UAE, बिकॉज इस्लामिक कंट्री है, इसीलिए, ठीक है। अब FATF क्या करता है, एक ब्लैक लिस्ट बना के रखता है और ग्रे लिस्ट बना के रखता है। आप समझ गया कि FATF का क्या फायदा है, FATF का गाइडलाइंस को क्या, कौन देखता है, IMF देखता है, वर्ल्ड बैंक क्या देख, वर्ल्ड बैंक देखता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, लोन नहीं देगा, दे विल नॉट गिव लोन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ FATF अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। तो इन दैट केस क्या होगा, हर गवर्नमेंट को जो भी इसका मेंबर है FATF का, जैसे अभी 37 या 38 मेंबर्स लोग हैं, उन लोग को क्या करना पड़ता है, उन लोग को सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसी का गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, इसी का मेंबर बनने के लिए क्या किया था, इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू या फिर जिसको बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इन द ईयर 2003 इन द ईयर 2003 क्या किया, पार्लियामेंट में एक बिल पास किया, पार्लियामेंट में एक बिल पास कराया, कौन सा बिल, कौन सा बिल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट,
ठीक है, इसको बोला जाता था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जी हाँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये वाला जो एक्ट है ना, ये जो एक्ट है ये क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये क्या करता है, ये अलग अलग रूल्स एंड गाइडलाइंस बताता है जो कि कंट्री को फॉलो करना है, इंडियन कंपनीज को फॉलो करना है, बैंक्स को फॉलो करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना है, जो भी लेंडिंग या फिर फाइनेंसिंग में है उन लोग को फॉलो करना है बिफोर गिविंग एनी लोन्स या फिर बिफोर गिविंग एनी फाइनेंस टू एनी वन इंडिविजुअल या कॉरपोरेट हाउसेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, ये क्या किया, इन ऑर्डर टू फॉलो FATF का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते करते एक रूल्स बना दिया, एक एक्ट बना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, एक एक्ट कर दिया, एक एक्ट को इनैक्ट कर दिया इन द ईयर 2003, फाइनेंस एक्ट में पास कर दिया, बिल पास कर दिया, जिसको बोला जाता था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको बोला जाता था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003 भी बोलते हैं। ठीक है, एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003 बिकॉज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्ट नंबर, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट MCQ में पूछा जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इस क्या, एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003, एक्ट नंबर 20 ऑफ 2005, ऐसे कुछ भी बोला जा सकता है, बिकॉज ये क्या हुआ था ना, इस एक्ट को बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, लेकिन ये पास हुआ था पार्लियामेंट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या, कब पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये पास हुआ था ईयर 2003 में, ईयर 2003 में पास हुआ था, कब पास हुआ था, 17th of January 2003 को 2003 में पास हुआ था, जिसको एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003 भी बोला जाता है। तो फिर क्या हुआ, ये 2003 में पास हुआ, लेकिन ये एप्लीकेबिलिटी हुआ इसका 1st July 2005 से, तब क्या हुआ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड रूल्स दोनों को एक संग फॉलो किया गया। तो रूल्स क्या है, रूल्स 2005 है और एक्ट 2002 है, एक्ट 2002 है, रूल्स 2005 है, दोनों मिला के बनता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो बेसिकली क्या हुआ, इंडिया FATF का गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, फिर क्या हुआ, जब ये रूल्स को फॉलो किया गया तो इंडिया 2006 में मेंबर भी बन गया FATF का। इंडिया कब मेंबर बना, 2006 में, क्योंकि इंडिया के पास अब एक पूरा एक्ट था, PMLA एक्ट, PMLA रूल्स। अब FATF का क्या गाइडलाइंस है ना, कि वो एक बॉडी को बनाया जाए, हर कंट्री में एक बॉडी हो जो कि क्या करे, कि इंटेलिजेंस यूनिट की तरह काम करे, और क्या करे, उसको जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कंट्री का वो रिपोर्ट करे कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो। तो फिर क्या किया, इस एक्ट के अंतर्गत एक यूनिट बनाया गया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, डायरेक्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, क्या करता है, डायरेक्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को वो करता है रिपोर्ट, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधा फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो मतलब ये जो डिपार्टमेंट है डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आ गया, मतलब क्या कर सकता है, बैंक कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी का ट्रांजेक्शन उन लोग को दिखता है तो क्या करेगा, तुरंत क्या कर देगा, रिपोर्ट कर देगा FIU IND, बिकॉज ये PMLA एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगा वो क्या करेगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा FIU IND को। तो वो क्या करेगा, एक टाइप का ED वाला डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डिपार्टमेंट है, वो तुरंत क्या करेगा, रेड कर देगा, PMLA एक्ट के अंदर में क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, और उसके बाद क्या कर सकता है, अटैचमेंट भी कर सकता है प्रॉपर्टी का। तो बेसिकली यहां पे आप लिख लीजिए PMLA 2002 इज एन एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003 पास्ड इन द पार्लियामेंट 17th January 2003, ठीक है, बट वॉज अप्लाइड टू ऑल ओवर इंडिया अलोंग विथ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, ठीक है, अलॉन्ग विथ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005 फ्रॉम द ईयर
2005 डेट इज 1 जुलाई। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों को कि ये जितना भी इसमें फैक्ट्स दिया हुआ है ना, उसका 3-4 एमसीक्यू बन सकता है। क्या बन सकता है? पीएमएलए एक्ट कौन सा ईयर में पास हुआ था? तो ईयर 2003 में पास हुआ था। एक्ट नंबर क्या बोलते हैं? एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003 भी बोलते हैं। फिर उसके बाद पीएमएलए रूल्स क्या है? रूल्स कब पास हुआ था? 2005 में। और ये रूल कब एप्लीकेबल था ऑल ओवर इंडिया में? 1 जुलाई 2005 से। अब 1 जुलाई 2005 से ये पास हो गया तो इंडिया क्या किया फिर उसके बाद? नंबर टू, इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ FATF। अब नंबर थ्री, इंडिया क्या किया? एक FIUIND बोल के, FIUIND बोल के एक यूनिट बना दिया। क्या बना दिया? इंटेलिजेंस यूनिट। टू विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, मनी लेंडर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैन रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी। ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल, ये जो FIUIND है ये मेन गवर्निंग बॉडी हो गया, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, या फिर ये क्या हो गया, इसमें ऑफिसर्स लोग बैठता है, द ऑफिसर्स सिट हेयर एंड दे लुक आफ्टर ऑल द सस्पिशियस एक्टिविटीज इज गोइंग अराउंड इन इंडिया। डेट मीन्स ये इंटेलिजेंस यूनिट है। और उसके बाद ये क्या करता है? FIUIND क्या करता है? डायरेक्ट ईडी को रिपोर्ट करता है, और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को रिपोर्ट करता है, और ईडी किसको रिपोर्ट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में एक इंटेलिजेंस यूनिट की तरह काम करती है, इंटेलिजेंस विंग की तरह काम करता है। ठीक है, और इसका ऑफिसर्स लोग बहुत मतलब जबरदस्त होता है, मतलब सीधा डायरेक्ट छापा मार सकता है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो एक्ट है उसमें ऐसा ऐसा सेक्शन है कि आपको नॉन बेलेबल है तो आपको बेल ही नहीं मिल सकेगा, जिसका सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है कि इसका बेलेबल क्यों नहीं है, बिकॉज इसका गलत गलत फायदा उठा सकता है। कौन फायदा उठा सकता है? एक मिनिस्टर दूसरा मिनिस्टर को फायदा उठाने के लिए क्या करेगा, FIUIND को कोई भी एक्टिविटी रिपोर्ट कर देगा और उसको FIUIND उठा के लेके चला जाएगा और उसके ऊपर केस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एकदम देख लीजिए बढ़िया से। अब आप इसमें बोलेंगे ना कि यार ब्लैकलिस्ट में रशिया क्यों नहीं है, क्योंकि रशिया तो इसका मेंबर भी नहीं है, रशिया इसका मेंबर भी नहीं है, और टेररिस्ट एक्टिविटी चल रहा है रशिया और यूक्रेन दोनों के बीच में। चलो यूक्रेन तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन रशिया तो है नहीं मेंबर, तो उस यूरोपियन यूनियन प्रेशर क्यों नहीं डाला? यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इटली, ये लोग जो अभी यूक्रेन के संग है इतना, तो वो लोग क्यों नहीं डाल रहा इसके संग? बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा एक इशू है बेटा लोग। इसमें क्या है ना, रशिया जो है ना, रशिया एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस में है ना, उसको वीटो पावर है, कोई भी एक्टिविटी अगर उसके अगेंस्ट में होता है ना तो उसको वीटो कर देता है। तो ये जो FATF है ना, FATF अगर उसको ब्लैकलिस्ट में डालेगा ना तो क्या करेगा, वो वीटो कर देगा, या फिर कुछ ऐसा ले आएगा वहां पे यूनाइटेड नेशंस में, कुछ ऐसा ले आएगा वहां पे जो कि सबके अगेंस्ट में हो। तो इसीलिए इसके संग कोई पंगा नहीं ले रहा है, और इसके संग एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो इसके संग भी न्यूक्लियर पावर उसके संग है, तो इसीलिए इतना बड़ा कंट्री के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और साथ ही साथ इंडिया भी उसके संग है, रशिया के संग, तो उसको एक वो भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और चाइना भी रशिया के संग है। ठीक है, तो बेसिकली इतना बड़ा पावर हाउस उसके संग है ना, इसीलिए रशिया को ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला जा रहा है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी देखिए ग्रे लिस्ट में डाला गया, जबकि इतना फंडिंग किया जाता है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, इतना फंडिंग करता है, बिकॉज इस्लामिक कंट्री, ऑल इस्लामिक कंट्रीज को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, ईरान को, इराक को, सबको फंड करा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास बहुत पैसा है, लेकिन देखिए उसको ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया। अभी ग्रे लिस्ट से उसको हटा दिया जाएगा देखिए कुछ दिन बाद। ठीक है, ग्रे लिस्ट में क्या होता है, एक वार्निंग सिग्नल दिया जाता है, फिर क्या करता है इंडिया की तरह, जैसे कि अगर वो लोग बना लेता है अपना रूल्स एंड रेगुलेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कुछ ऐसा बना लेता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर इंडिया बनाया है, FIUIND बनाया, फिर उसके बाद एक्शंस भी लिया जा रहा है उस एक्ट के अंदर में, और सारा गवर्नमेंट सारा गाइडलाइंस उसको अच्छा से फॉलो किया जा रहा है, तब फिर क्या करता है ये इंटरनेशनल बॉडी देखता है, FATF देखता है, अपना टीम को भेजता है, हाँ ठीक है बहुत अच्छा से फॉलो हो रहा है, तो फिर क्या करता है वो लोग कुछ ऐसा काम नहीं करता है, ब्लैकलिस्ट या ग्रेलिस्ट में नहीं डालता है, ब्लैकलिस्ट में तभी डालता है अगर बहुत ही ग्रेव एक्टिविटी कर रहा है तो उसको ब्लैकलिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, अभी अपने उसका एक बार साइट खोल के देखेंगे। ठीक है, PMLA का
पीएमएलए का नहीं, एफएटीएफ का। देखिए एफएटीएफ जी हाइफन gfi.org ये इसका साइट है। ठीक है, FATF-GFI.FATF-GFI.org, ठीक है, ये वाला साइट है। और ये साइट जो है ना, ये मतलब कि सारा बताता है कि FATF का मेन काम क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ FATF, व्हाई FATF हैज बीन फाउंडेड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशियल वॉच डॉग। ठीक है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग, तो मतलब क्या है, एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, और कहीं पे भी कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा हो जिसके कारण पूरा कंट्रीज को, अलग अलग मेंबर्स को, जो इसके मेंबर्स लोग हैं उसको नुकसान होता हो, तो तुरंत वो उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देगा और उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, सैंक्शंस कर देगा। ठीक है, इट सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट एम टू प्रिवेंट दिस इलीगल एक्टिविटी एंड द हार्म दे कॉज टू सोसाइटी। ठीक है, तो मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दिया है, गाइडलाइंस दिया है, रिकमेंडेशंस दिया है कि जिसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कंट्री कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। अब इसमें क्या रिकमेंडेशन होता है, स्टैंडर्ड्स होता है, अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो आपको अलग अलग गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, तब क्या करेगा, आपको तुरंत से लोन मिलेगा, आपको जल्दी जल्दी लोन मिलेगा, यू विल गेट मोर लोन्स। इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस एंड द पॉलिसीज विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाई द FATF एंड वेरियस एंड यू हैव टू मेंटेन दोज पॉलिसीज इन द लॉन्ग run and various team members from the FATF will visit your country and after visiting your country they will issue a report. Based on those report they will issue a statement that yeah, this country can become the member of our country or this country may not become the member of our country because they are not following each and every principle which have been laid down by us. ठीक है, अब क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे क्या, देखिए पब्लिकेशंस है, पब्लिकेशंस में अलग अलग गाइडलाइंस है। अब देखिए यहाँ पे कंट्रीज है, कितना कंट्रीज लोग इसका मेंबर है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 कंट्रीज आर द मेंबर। ठीक है, मतलब 37 कंट्रीज क्या कर रहा है इन लोग को मेंबर है, और देखिए एक से एक पावरफुल कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, आइसलैंड है, इंडिया है, इटली है, इसराइल है, जापान है, फिर उसके बाद G7 कंट्रीज तो आपको सब मिल जाएगा, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ठीक है, कनाडा है, सब आपको G7 कंट्रीज तो मिल जाएगा। G7 कंट्रीज के अलावा और 30 कंट्रीज है जो इसमें मेंबर है। फिर देखिए रशियन फेडरेशन भी है, रशियन फेडरेशन इज ऑल्सो अ मेंबर। देखिए देखिए अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, FATF मेंबरशिप इसका सस्पेंड कर दिया लेकिन इसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में नहीं डाला है। देखिए सस्पेंडेड ऑन 24 फरवरी 2023, मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया इसका रशियन का, लेकिन क्या किया इसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में नहीं डाला, इतना पावर नहीं है, आपने इसको मेंबरशिप से हटा दिया FATF का, लेकिन उसके बाद इसको क्या किया, अभी तक इसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में नहीं डाला है। ठीक है, लेकिन आपने इसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में नहीं डाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट, देखिए हाई रिस्क कंट्री, हाई रिस्क कंट्री में कौन कौन है यहाँ पे दिखाएगा, हाई रिस्क कंट्री है, देखिए हाई रिस्क कंट्री है कोरिया, इराक एंड म्यांमार, कोरिया, इराक एंड म्यांमार। ठीक है, इराक है कि ईरान है, सॉरी ईरान है, ईरान, कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, वहाँ पे चेंज कर लीजिए आप लोग, एक्चुअली ईरान है, ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, सद्दाम हुसैन वॉज फ्रॉम ईरान, ठीक है, वहां पे भी जाके ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, तो ये नॉर्थ कोरिया हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ईरान एंड दिस म्यांमार, ठीक है, ये तीन कंट्री देखिए आपका हाई रिस्क कंट्री है, जिसको बोलते हैं हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन और टू अ कॉल फॉर एक्शन, तो इसको बोलते हैं ब्लैक लिस्ट कंट्री, तो ये तीन कंट्री आपका ब्लैक लिस्ट कंट्री है। फिर उसके बाद
देखिए, ज्यूरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, ये होता है ग्रे लिस्ट, इसको बोला जाता है ग्रे लिस्ट। तो ये ज्यूरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, ठीक है, इसमें कौन कौन सा कंट्री है, देखिए अल्बानिया, बारबाडोस, ब्रंकिना फासो, केमैन आइलैंड्स, बोलते नहीं अलग अलग आइलैंड्स है, वहाँ पे क्या करता है शेल कंपनीज खोल लिया जाता है फॉर लेयरिंग, तो केमैन आइलैंड्स भी उसमें से एक है। तो ये सब कंट्री क्या करता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत हेल्प करता है। अब आप बोलेंगे कि सर स्विट्जरलैंड को क्यों नहीं डाला इसमें, स्विट्जरलैंड टेरर फाइनेंसिंग में नहीं हेल्प करता है, केमैन आइलैंड, पनामा आइलैंड, ये सब क्या करता है टेरर फाइनेंसिंग में हेल्प करता है, मतलब टेररिस्ट लोग का फंड वहाँ पे रखा हुआ है। स्विट्जरलैंड में क्या करता है, अब वो लोग क्या करते हैं अलग अलग गाइडलाइंस बना दिया, और क्या करता है हो सकता है इसको FATF का गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है बहुत अच्छे से, तो इसीलिए क्या किया जा रहा है वहाँ पे लोगों को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जा रहा है। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो, गिब्राल्टर, हाइथी, जमाइका, जॉर्डन, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, सीरिया, तंजानिया, उसके बाद टर्की, तुर्की, तुर्की ये अलग कंट्री है, टर्की अलग है भाई, तुर्की है ये, फिर उसके बाद युगांडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है फेब्रवरी 2022 से डाला है, येमेन, ठीक है, फिर उसके बाद कंबोडिया, मोरक्को, ठीक है, और ये कंबोडिया और मोरक्को का ही लोग हटा दिया है बोल रहा है इसमें से, ठीक है, कंबोडिया और मोरक्को को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, बिकॉज क्या किया गया वो लोग FATF का गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया। दी FATF वेलकम्स मोरक्को सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग द AML और CFT रेजिम, मोरक्को स्ट्रेंथेन द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स AML और CFT रेजिम टू मीट द कमिटमेंट इन इट्स एक्शन प्लान रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी दैट द FATF आइडेंटिफाइड इन फरवरी 2022। अब क्या करेगा ये लोग, क्या करेगा डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करेगा और गवर्नमेंट को क्या करेगा चिट्ठी लिख देगा, नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख देगा कि भैया आप लोग अपना स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज है उसको इंप्रूव करिए, बिकॉज क्या हो रहा है आपके कंट्री में क्या हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है और उसके कारण टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहा है पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड में, तो आप क्या करिए कुछ ऐसा करिए या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करिए और रूल्स बनाइए रेगुलेशंस बनाइए जिसके कारण आप मनी लॉन्ड्रिंग को कर्प कर सकते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निकाल के रहिए, अपना PMLA जो एक्ट है उसको बहुत अच्छा से और सुधार करिए, जिसके कारण क्या होगा हम आपको ग्रे लिस्ट में नहीं डालें। अगर उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी नहीं सुधरते हैं तो क्या करेगा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, उसके बाद भी सर्टेन टाइमलाइंस दिया जाएगा 180 डेज 240 डेज 300 डेज कुछ भी टाइमलाइन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भैया पुश करो आप अपना कंट्री का इकोनॉमी को सुधारने के लिए, अपना कंट्री को अपना कंट्री में कोई ऐसा एक्टिविटीज़ को होने से रोकने के लिए अच्छा गाइडलाइंस लाइए रूल्स रेगुलेशन लाइए स्ट्रेंथन करिए अपना पॉलिसीज़ को इंटरनल फ्रेमवर्क को सुधारिए, अगर नहीं सुधारेगा तो फिर क्या करेगा उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है आप देखिए आपका बुक में है ना, आपका बुक में देखिए FATF गाइडलाइंस कैसे दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर कि आपने पहले से स्टार्टिंग से तो नहीं मार्क कराया, आप मार्क करा रहे नहीं, खाली दिखा रहे हैं, मार्किंग कुछ नहीं करा रहे हैं, खाली आप लोगों को दिखाया जा रहा है, मार्किंग कुछ नहीं किया जा रहा है, ठीक है, खाली दिखाया जा रहा है आप लोगों को, MCQ अपने बाद में करेंगे दोनों चैप्टर का। ये देखिए आपके बारे में स्कूल आपके मतलब कि मैट में क्या क्या चीज़ डाला हुआ है, इन 1989 मल्टीपल कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अ ग्लोबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, अब इन ऑर्डर टू शॉर्टली आफ्टर 9/11 FATF एक्सपेंडेड इट्स मैंडेट टू इंक्लूड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग। तो ईयर 2001 में जब आपका 9/11 हुआ था, ईयर 2001 में क्या किया था FATF में मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है अब क्या हुआ था, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ 1989। तो क्या हुआ FATF क्या करता है ना, FATF क्या है कि गवर्निंग बॉडी हो गया, एक टाइप का गवर्निंग बॉडी हो गया, वो क्या करता है अलग अलग गाइडलाइंस इशू किया जाता है, रिकमेंडेशन इशू किया जाता है कि ये सब रिकमेंडेशन हर कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंटी मनी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं, उसको लोन देना चाहिए कि नहीं, IMF देखेगा, IMF देखेगा कि हाँ इसको लोन देना चाहिए, पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में होगा तो उसको लोन नहीं देगा, तो पाकिस्तान यही सोचेगा कि उसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाना पड़ेगा, टेरर फाइनेंसिंग बंद करना पड़ेगा, तब फिर हम लोग को लोन मिले। ठीक है
अब देखिए क्या बोल रहा है, दी एस्टिमेट अमाउंट ऑफ मनी लॉन्डर ग्लोबली इज वन इन वन ईयर 2 to 5%, ठीक है, मतलब इतना होता है, ठीक है, साथ साथ मार्क भी करते जाइए। ये मैंने आप लोग को लिखा दिया है, 1989 में बनाया था, तो देखने का इसमें कुछ इतना लिखने का दरकार है नहीं। FATF G7 कंट्रीज लोग ने बनाया था, G7 कंट्रीज से, और इसका अभी 37 मेंबर्स लोग हैं, जिसमें से एक मेंबर को रशिया को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इज क्लोजली रिलेटेड विद काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड CFT दोनों एक ही हो गया, इक्वल, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, मतलब समझ गए, टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर करना, मतलब काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो ठीक है, एक ये भी पॉइंट लिख लीजिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इज इक्वल टू काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब बियॉन्ड द मॉरल इंपेरेटिव्स टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आल्सो यूज AML फॉर, मतलब कि खाली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए नहीं यूज किया जाता है, इसको और भी चीज के लिए यूज किया जाता है, कंप्लायंस विद रेगुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रांड रेपुटेशन, अवॉइडिंग ऑफ कंसेंट ऑर्डर, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये सारा चीज के लिए भी आपको यूज किया जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को, मतलब डेट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो रूल्स है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो रूल्स है, एक्ट है, उसको फॉलो किया जाता है ये सब काम के लिए भी, क्या के लिए, कंप्लायंस विद रेगुलेशन। अगर आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को फॉलो करेंगे ना, तो उसमें ऐसा ऐसा रूल्स दिया हुआ है, ऐसा ऐसा रेगुलेशन दिया है, जैसे KYC मेंटेन करना पड़ेगा, 50,000 से ट्रांजेक्शन नीचे करना पड़ेगा, तो उसे क्या करेगा, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छा से फॉलो करोगे तो फिर क्या, कंप्लायंस विद रेगुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रांड रेपुटेशन। अगर मान लीजिए किसी कोई कंपनी के ऊपर नोटिस कर देता है इशू, PMLA एक्ट के अंदर में नोटिस इशू कर देता है कि आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, तो कंपनी का रेपुटेशन पूरा खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ICICI बैंक को आज नोटिस दे दिया जाता है, तो क्या करेगा, उसका शेयर वैल्यू तो डिक्रीज हो जाएगा ना, तो इसीलिए क्या करता है वो, ये अपना रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जितना भी एक्ट है और रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है, अवॉइडेंस ऑफ कंसेंट ऑर्डर। अब मान लीजिए क्या होता है, सिविल पेनल्टी या क्रिमिनल पेनल्टी कुछ भी कंपनी के अगेंस्ट लग जाए ना, उससे बचने के लिए ये लोग ये सब चीज करता है। देखिए हम लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आते, कुछ टैक्स हमने कंप्लायंस किया, टैक्स में चोरी हो गया, थोड़ा सा चोरी क्या किया हमने, अपना हम लोग को पता नहीं था ये ऐसा हो गया, देखिए हम मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेगा, उन लोग के ऊपर पेनल्टी कम लगेगा, जेल वेल नहीं जाएगा वो लोग, हो सकता है पेनल्टी लगा के छोड़ दे, ठीक है, सिविल पेनल्टी या क्रिमिनल पेनल्टी नहीं लगाए वो लोग के ऊपर, हो सकता है 3 साल या 7 साल का सजा, जो इस एक्ट में लिखा हुआ है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हम लोग एक्ट में लिखा हुआ है कि उस कोई को भी अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, इस एक्ट में, PMLA एक्ट में, इंडिया में कोई भी अगर टेररिस्ट, कोई भी अगर ये वाला एक्टिविटी करता है, जो ऑफेंसेस इसमें लिखा हुआ है इस एक्ट के अंदर में, PMLA एक्ट के अंदर में, तो कोई भी अगर ऑफेंस करता है उसको सीधा जेल कर सकते हैं 3 साल से 7 साल, और उसको मतलब बेल भी नहीं मिलेगा, इतना जबरदस्त है ये एक्ट है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है कि ये तो बहुत जबरदस्त, ये बहुत मतलब कि एक आदमी का फ्रीडम के अगेंस्ट में है, आप कैसे किसी को भी फ्रीडम, 143 ऑफ द CRPC एक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी को भी बेल देने से रोक नहीं सकते, लेकिन क्या करता है इस एक्ट में, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है ये एक्ट, मतलब ये ओवरराइड करता है सारा एक्ट को, इतना जबरदस्त है ये एक्ट, ठीक है। फिर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, मतलब फाइन वाइन लगने से बचने के लिए ये एक्ट को फॉलो किया जाता है, ये बस देख लेंगे अपने, मतलब कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको क्यों फॉलो किया जाता है, उसको इसलिए फॉलो किया जाता है, आप अपना ब्रांड इमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो, आप अपना ब्रांड इमेज को प्रोटेक्ट करने के बाद कंप्लायंस रेगुलेशन के संग कंप्लायंस हो जा रहा है सारा, और जो बाकी रेगुलेशन उसके संग कंप्लायंस हो जा रहा है, फिर उसके बाद कोई पेनल्टी या ऑर्डर, कोई पेनल्टी से बचने के लिए आप ये करते हो, और उसके बाद कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए करते हो, ठीक है। आपने ये तीनों चीज देख लिए, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, वही यहां पे लिखा हुआ है, प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, लेयरिंग मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, FATF हेल्प कंट्री क्रिएट अ फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट। अब जैसे फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट जो है ना,
फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया में भी बना हुआ है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जिसको वर्ल्ड में क्या बोला जाता है, FIUIND, FIUIND एक यूनिट है जो कि इंडिया में बना हुआ है, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और जो ईडी के अंदर में आता है, ठीक है, मतलब FM, ईडी एंड FIUIND। ठीक है, मतलब सोचिए FM क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, ईडी डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, ये सारे एक्टिविटीज को रोकता है, उसके अंदर में FIUND, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अब ये FIUND क्या करता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट के बीच में इन्फॉर्मेशन फ्लो को हेल्प करता है, मतलब इससे यहां से यहां, जैसे मान लीजिए कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिला, 1 लाख रुपया कसाब किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या उसको सस्पिशियस लगा, अब वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, रेड फ्लैग भेज देगा FIUIND को, गवर्नमेंट को भेज देगा, किसको भेजेगा, इस यूनिट को भेजेगा FIUIND। अब ये क्या करेगा, ये 1 लाख को कौन सा अकाउंट से आया, क्या मोबाइल नंबर है उस आदमी का, उसका एक्टिविटी क्या है, वो कहाँ घूमता है, कहाँ जाता है, उससे क्या करेगा, हो सकता है फ्यूचर टेररिस्ट एक्टिविटी को बचाया जा सके। तो ये FIUIND हो सकता है अलग अलग बॉडी के संग करे, रॉ के संग बात कर रहा है, ठीक है, रॉ एजेंसी के संग बात कर रहा है, इंटेलिजेंस अलग अलग इंटेलिजेंसी अजीत डोवल के संग बात कर रहा है, मतलब क्या क्या, नेशनल सिक्योरिटी का भी बात आ जाता है यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी का भी बात आ जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त यूनिट है, ठीक है। देखिए, FIU मेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग बाई रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटी टू गवर्नमेंट वाई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एंड सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, डैट मीन्स STR एंड SAR, दो टाइप का रिपोर्ट होता है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट या फिर सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है, पाकिस्तान से कोई पैसा आ रहा है किसी के पास, तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो गया। सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, बैंक से विड्रॉ किया, POK में कोई ब्रांच है किसी का, उससे कोई पैसा विड्रॉ किया अपना ATM कार्ड से, या तो हो सकता है अपना ATM कार्ड से विड्रॉ किया है पाकिस्तान में पैसा, तो हो सकता है ये भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो तुरंत इसको रेड फ्लैग कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोले अलग अलग कंट्री में क्या क्या रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे US में US पेट्रियट एक्ट है, फिर उसके बाद बैंक सिक्रेसी एक्ट है, EU में मतलब यूरोप में यू फोर्थ नाइट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग कैनेडा में प्रोसीड, लेकिन ये जितना भी एक्ट है ना, आप देखेंगे आप इंडिया का एक्ट खोल के देख लीजिए और ये लोग का एक्ट खोल दीजिए, एकदम सिमिलर है, क्योंकि सब क्या है FATF का गाइडलाइन से बना के बनाया गया, FATF से रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके उठा के ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है, FATF से रूल्स एंड रेगुलेशंस उठा के ये एक्ट बनाया गया है। अब क्या कर रहा है ना, ये FATF बोल रहा है ना कि FATF में लार्जली ये तीन चीज बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करना पड़ेगा। FATF में क्या बोल रहा है, FATF या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फिर CFT, ये क्या बोल रहा है ना, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग लॉ होगा, लेकिन इसके पास तीन चीज़ है, तीन चीज़ जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, एवरी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड फॉलो दीज थ्री थिंग्स। नंबर वन, KYC, हर एक कस्टमर का अपने को KYC मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नो योर कस्टमर, उसमें क्या होता है, आधार कार्ड रहता है, पैन कार्ड रहता है, एड्रेस रहता है, क्या रहता है KYC में, आधार, पैन, एड्रेस, यही तो रहता है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, फिर क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। अरे भैया आपके पास इतना इनकम है क्या, जो आप पैसा डालते जा रहे हो बैंक में, डालते जा रहे हो, आपका इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न से पता चल जाएगा, तो हो सकता है आपसे आपका बैंक इनकम टैक्स रिटर्न भी बना सके, मंगा सके। फिर उसके बाद क्या है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग क्या करना पड़ेगा। अब मान लो ये PMLA एक्ट क्या है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया कि 50,000 से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन है ना वो सस्पिशियस है, अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर का कैश अगर डाल रहे हो बैंक में, तो क्या करेगा, उसको मॉनिटर करने के लिए बैंक आपसे बोलेगा भैया पैन नंबर दीजिए, तो ये क्या है, गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, मॉनिटर करेगा, तो ये क्या करेगा,
अमाउंट कितना अमाउंट डाल रहे हैं, ठीक है, ये देखेगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखेगा कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, और लोकेशन देखेगा किस लोकेशन से डाल रहे हैं, नंबर अमाउंट और लोकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर तीन हो गया रिपोर्टिंग। अब ये क्या करेगा ना, क्या वैल्यू का ट्रांजेक्शन है, क्या अमाउंट का ट्रांजेक्शन है, अगर वो सस्पिशियस एक्टिविटी में फॉल करता है, मतलब एक थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ऊपर जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्निंग बॉडीज को, गवर्निंग बॉडीज को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है, देखिए, केवाईसी मेंटेन करना है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के बारे में बताना है, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, लार्ज अमाउंट का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो बताना है, 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो पैन लेना है, 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो फिर क्या करना है, 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो भी बताना है। जैसे देखते हैं ना, कोई आदमी 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर लेता है, बैंक में कोई रुपया डाल देता है, कैश डिपॉजिट कर देता है 10 लाख से ऊपर, तो क्या तुरंत स्क्रूटनी में फाइल आ जाता है, क्या सोर्स ऑफ इनकम बताइए कि आपने क्यों 10 लाख से ऊपर डाला, क्यों, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रोकना है अपने को, तो ये चीज देखना है। अगर मान लीजिए कोई सच्चा आदमी होगा, कोई मतलब कि खाली टैक्स बचाने के लिए क्या कर रहा होगा, तो टैक्स देके छोड़ देगा, लेकिन टेररिस्ट होगा तो नोटिस का रिप्लाई नहीं करेगा, उसको लगेगा फंस गए, पता चल जाएगा कि हमने गन-वन खरीदा है, गन-वन खरीदने के लिए पैसा जमा किया है, या फिर हमने पाकिस्तान पैसा भेजना है, अपनों को क्या करना है, लेयरिंग करना है, अभी तो प्लेसमेंट किया है, लेयरिंग करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो बड़ा एक्टिविटी सामने आ जाएगा, तो फिर क्या करेगा, वो रिपोर्ट करेगा, ये एक्टिविटी को रिपोर्ट करेगा, और कब तक रिपोर्ट करेगा, मान लीजिए आपने क्या किया, लेयरिंग किया, लेयरिंग किया, मान लीजिए क्या किया, आपने पैसा डाला बैंक में और 7 ईयर्स तक आपने ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स किया, फिर उसके बाद क्या, क्लोज कर दिया अकाउंट, तो क्या 5 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा, 5 ईयर्स फ्रॉम क्लोजिंग, डेट मीन 7 साल के बाद और एक और 5 साल, मतलब 12 साल तक उसको अपना अकाउंट को रखना पड़ेगा। हो सकता है आज से ही ट्रेडिंग चालू किया, तो आज तो पकड़ लिया तब तो ठीक है, अभी भी 5 साल है बैंक को, मतलब 5 साल का एक्टिविटी को पूरा बैंक को देखना पड़ेगा, मतलब 5 साल पुराना रिकॉर्ड भी अपने पास रख के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब क्या गया, पीएमएलए एक्ट में दिया हुआ है, तो पीएमएलए एक्ट में दिया हुआ है, मतलब एफएटीएफ भी यही बोल रहा है करने के लिए। अब देखिए एफएटीएफ क्या बोल रहा है, आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए क्या, एएमएल रेगुलेशंस मे वेरी बाय ज्यूरिसडिक्शन बट इन जनरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरटेक द फॉलोइंग मेजर्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक को मेजर्स लेना पड़ेगा, ये सब क्या मेजर्स, केवाईसी, फाइनेंशियल मस्ट रिक्वायर प्रॉपर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरीफाई देयर लेजिटिमिटी, ठीक है। फिर लार्ज करेंसी ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कॉल्स फॉर इंस्टीट्यूशन टू फाइल रेगुलेटरी रिपोर्ट नोन एज सीटीआर इन द यूएस, यूएस में इसको क्या बोलते हैं ना, सीटीआर बोलते हैं। यहां पे क्या करते हैं, FIU IND को ये लोग क्या करेगा, एक रिपोर्ट दे देगा, हो सकता है वो मंथली रिपोर्ट हो या ईयरली रिपोर्ट हो। अब क्या करते हैं, आजकल तो क्या किया, बैंक में क्या TDS भी कटने लग गया। अगर आप मान लीजिए पैसा विड्रॉ करते हैं ना बैंक से, अगर आप बैंक से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक आपका TDS काटता है। मान लीजिए आपका 1 साल में 1 ईयर में कोई कंपनी 1 करोड़ से ऊपर पैसा विड्रॉ कर लिया बैंक से, तो क्या करता है, बैंक TDS काटता है एट द रेट ऑफ 2% या 1%, वॉट एवर द केस। तो ये सारा केस से इंडिया में क्या ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ रिपोर्टिंग का, लेकिन यूएस में क्या है, सीटीआर रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है, रेगुलेटरी रिपोर्ट, अगर लार्ज करेंसी ट्रांजेक्शन होता है, हो सकता है 5,000 US डॉलर एक संग बैंक से निकाल लिया, 50,000 USD बैंक से निकाल लिया, तो फिर इसलिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। सस्पिशियस एक्टिविटी मॉनिटरिंग रेगुलेटिंग एजेंसी पब्लिश AML गाइडलाइंस अबाउट बिहेवियर डेट शुड बी मॉनिटर, एग्जाम्पल मेकिंग न्यूमरस कैश डिपॉजिट विड्रॉल्स ओवर सेवरल डेज, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है अगर उससे बेसी हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर कैसे करेगा, पैन कार्ड लेगा, आधार कार्ड लेगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद लेगा, 50,000 से ऊपर डिपॉजिट कर रहा है तो क्या करेगा, पैन कार्ड ले लेगा उससे, ठीक है। अब क्या, टेक्नोलॉजी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स, क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। CBS जो होता है ना, बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम, उसमें क्या करता है, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लगा दिया जाता है कि अपने आप सस्पिशियस ट्रांजेक्शन
सस्पिशियस ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक रिपोर्ट हो जाए तो किस लिए होगा? ये सारा जो चीज है ये टेक्नोलॉजी में इम्बेड करना पड़ेगा अपना बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, टेक्नोलॉजी में ये सारा चीज़ को इम्बेडेड करना पड़ेगा। तो एक बार देख लीजिए, सस्पिशियस एक्टिविटी मॉनिटरिंग है ऑब्वियसली, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये लोग पूरा टेक्नोलॉजी से हो जाना चाहिए, तो बैंक को इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। इंटेलिजेंट अलर्ट रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली क्या हो, इंटेलिजेंटली रिपोर्ट मॉनिटर हो जाए। और उसके बाद एनहांस एनरिचमेंट, मतलब क्या हो, अलर्ट को एनरिच करो कैसे तुरंत, मतलब कि कौन सा अलर्ट देना चाहिए कौन सा नहीं देना चाहिए, कौन सा अलर्ट सीधा गवर्निंग बॉडी के पास जाना चाहिए। ऑटोमेटिक SAR फाइलिंग, ऑटोमेटिक SAR फाइलिंग, SAR जो अपने आगे में पढ़े ना टर्म, उसको ऑटोमेटिक फाइलिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली ये बैंक को रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है ना SAR। देखो यहां पे पढ़े ना SAR एंड STR, देखो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एंड सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, तो बोले ना एक्टिविटी को भी मॉनिटर करो और ट्रांजेक्शन को भी मॉनिटर करो। तो STR और SAR ऑटोमेटिकली फाइल हो जाना चाहिए। सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट एंड सस्पिशियस मॉनिटरिंग रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, SAR एंड STR दोनों ऑटोमेटिक फाइल हो जाना चाहिए। होलिस्टिक एंटिटी व्यू, मतलब तुरंत एक एंटिटी का क्या क्या एक्टिविटी है, सस्पिशियस एक्टिविटी तुरंत उसको पता चल जाना चाहिए। फिर उसके बाद अलर्ट स्कोरिंग, क्लाइंट रिस्क रेटिंग, रेटिंग भी जैसे क्रेडिट रेटिंग होता है वैसे रिस्क रेटिंग होना चाहिए, ठीक है। पीयर बेस एनोमली डिटेक्शन, मतलब कि पीयर से कंपैरिजन किया जाएगा कि मतलब जैसे रिलायंस क्या सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है और वो क्या सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे क्या हो सकता है हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटी को हटा सकते हैं बिकॉज वो सस्पिशियस नहीं है, पीयर भी कर रहा है। मतलब इंडस्ट्री में ऐसा होता है, जैसे मान लो क्या होता है, कोई कोई इंडस्ट्री में खाली कैश ट्रांजेक्शन होता है, जैसे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का कैश में सेल्स होता है ज़्यादा, तो क्या करेगा वो लोग कैश डिपॉजिट करता है बैंक में, तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है। कोई एक्टिविटी कोई कंपनी में क्या, कोई कंपनी में क्या होता है, कैश विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो हो सकता है टीडीएस लग रहा है लेकिन क्या पीयर भी वही एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या पीयर से कंपैरिजन करने से सस्पिशियस एक्टिविटी को अपने दूर कर सकते हैं। एग्जांपल पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप में कैश डिपॉजिट होता है और इसमें कैश विड्रॉल होता है। अब मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं, ऐसे कोई इंडिविजुअल है डेली जाके लाख लाख रुपया विड्रॉ कर रहा है, तो ऑब्वियसली सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है ना, लाख रुपया विड्रॉ कर रहा है। हो सकता है कोई टेरर फाइनेंसिंग में यूज़ कर रहा हो, गन वन खरीद रहा हो, कैसे पता चलेगा क्या खरीद रहा है, डेली एक लाख रुपया क्या चीज़ का लग रहा है। रेयर इवेंट डिटेक्शन, हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन में, कोई कंपनी का ट्रांजेक्शन डेली का 5,000 रुपये का है लेकिन क्या आज अचानक से 50 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, आज अचानक से 50 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, तो क्या रेयर इवेंट है ना, तो इसको आइडेंटिफाई करना। ऑटोमेटेड मैनुअल प्रोसेस, सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाना चाहिए। अब क्या हो रहा है, ये रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए क्या हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम हो सकता है ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकता है। दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मे बी इंप्लीमेंटेड बाय द बैंक इन ऑर्डर टू ऑटोमेट वेरियस प्रोसेस फॉर क्विक हैंडलिंग एंड क्विक रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। ऑल थ्री एक्टिविटीज विच द बैंक नीड टू डू, KYC मेंटेन करके रखना है, सस्पिशियस एक्टिविटी मॉनिटर करना है और सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करना है, ठीक है। सस्पिशियस एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग, ठीक है। तो KYC क्या हो गया, सब बैंक KYC मतलब नो योर कस्टमर, सस्पिशियस एक्टिविटी मॉनिटरिंग क्या होता है और सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग, SAR STR फाइल करना है और CTR रिपोर्ट, CTR मतलब कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, हाई कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। फिर उसके बाद ये क्या करना है, इसमें क्या करना है, मतलब एक्टिविटी जो है तुम्हारा जो कि ऑटोमेटिक मतलब IT द्वारा होगा, IT मतलब ऑटोमेटिक ये सारा रिपोर्ट्स जनरेट करेगा। क्या क्या रिपोर्ट जनरेट करेगा, सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, इंटेलिजेंस अलर्ट, प्रायोरिटाइजेशन अलर्ट और केस एनरिचमेंट, ऑटोमेटेड SAR फाइलिंग, होलिस्टिक एंटिटी व्यू, पीयर कंपैरिजन होएगा, पीयर बेस एनोमली डिटेक्शन, रेयर इवेंट डिटेक्शन, अलर्ट स्कोरिंग, क्लाइंट रिस्क रेटिंग, ये सब अलग अलग तरीके का IT इनेबल्ड IT enabled measures।
आईटी इनेबल्ड मेजर्स हो जाएगा, ठीक है ये। तो यहां पे अपना, यहां पे क्या होता है अपना, फिर उसके बाद यहां पे अपना, अब अपने आगे चले जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एफएटीएफ गाइडलाइंस। अब क्या है ना, यहां पे क्या हो रहा है, एफएटीएफ क्या बोल रहा है ना, एफएटीएफ का अपने अभी वेबसाइट खोल के दिखाएंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, एएमएल एंड सीएफटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब इसमें भी क्या है ना, बुक क्या है ना पूरा नहीं दिया आप लोग का, देखिए इसमें बुक क्या है ना पूरा नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ कुछ एब्रीवेशन अपने देख के चला जाएंगे, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले एब्रीवेशन। एएमएल एंड सीएफटी तो अपने पढ़ लिए, बीएनआई मतलब बियर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सीडीडी मतलब कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, डिजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशन, एफएटीएफ का पढ़ लिए, एफआईयू का पढ़ लिए, फिर उसके आईएन मतलब इंटरप्रेटिव नोट, एमएल मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, आरबीए मतलब रिस्क बेस्ड अप्रोच, एसआर मतलब स्पेशल रिकमेंडेशन, एसआरबी मतलब सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, एसटीआर मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसएआर मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट के लिए वो सब भी, शॉर्ट नोट नहीं, फिर उसके बाद एमसीक्यू लेके, एमसीक्यू के लिए अपने वो भी बता दिए, एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003, एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003, फिर उसके बाद पास इन द पार्लियामेंट इन 17 जनवरी 2003, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है ये सारा चीज़ बता दिया गया था। फिर उसके बाद कब अप्लाई हुआ, 1 जुलाई 2005 से, ठीक है। अब ये जो है ना एफएटीएफ रिकमेंडेशन, ये देखिए अब ये क्या है, डायरेक्ट ये लोग साइट से उठा दिया है। अब यहाँ पे देखिए पब्लिकेशन में जाएंगे ना, यहाँ पे पब्लिकेशन में की डॉक्यूमेंट्स है, ये साइट में अपने जाएंगे की डॉक्यूमेंटेशन, की डॉक्यूमेंट में एफएटीएफ रिकमेंडेशन है और इसको अपने डाउनलोड कर लेंगे एफएटीएफ रिकमेंडेशन को। तब इंस्टीट्यूट क्या किया है ना, आपका एफएटीएफ रिकमेंडेशन डायरेक्टली डायरेक्टली साइट से निकाल दिया, एफएटीएफ का साइट से, और वो पूरा नहीं डाला है, पूरा नहीं डाला है, ठीक है। अब पूरा नहीं डाल के यहां पे क्या कर दिया ना वो लोग, यहां पे ये लोग खाली ये वाला पार्ट डाला है, देखिए देखिए क्या किया है, एफएटीएफ रिकमेंडेशन, एएमएल और सीएफटी पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेशन, असेसिंग रिस्क एंड अप्लाइंग रिस्क बेस्ड अप्रोच, यहां से किया है, ठीक है। तो देखिए वो अपने सर्च करेंगे वहां पे, देखिए नंबर वन से ये, देखिए ये वाला पूरा कॉपी कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ ना, ये लोग पूरा कॉपी करके बना दिया। तो अपने का है ना, मेरे को लगता है यहां से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिकॉज कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और इसके अंदर से क्या पूछेगा, कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं लग रहा आएगा। अपने खाली क्या करेंगे ना, इसको रीड करके आप लोग चले जाइएगा एग्जाम में, रीड करके चल जाएगा। बेसिकली क्या है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में बता रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, इसमें बोल रहा है कि ये सब स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए हर कंट्री को, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। अपने को पीएमएलए एक्ट पूरा अच्छा से पढ़ के जाना है, ये सब रिकमेंडेशन क्या करेगा, ये सब रिकमेंडेशन क्या, एफएटीएफ रिकमेंडेशन किया है, अपने को ये रिकमेंडेशन को फॉलो करना है, पीएमएलए एक्ट बता रहा है, पीएमएलए एक्ट उसी को रिकमेंडेशन को फॉलो करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या किया हुआ है, एसेसिंग रिस्क एंड अप्लाइंग रिस्क बेस्ड अप्रोच, ठीक है, मतलब रिस्क को एसेस करना है और रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉलो करना है। फिर उसके बाद नेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड कन्फिस्केशन, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस क्या क्या होता है वो बताया हुआ है। तो अपने जब मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस पढ़ेंगे ना पीएमएलए एक्ट में, तो उसमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा ये सब चीज़। कॉन्फिस्केशन एंड प्रोविजनल मेजर्स, जैसे कॉन्फिस्केशन क्या है ना, अपने पीएमएलए एक्ट में अटैचमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो अपने उसको पढ़ेंगे। तो अगर ये आए ना तो वही डाल दो, ये सब देना नहीं है अपने को, ठीक है।
टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग क्या होता है, टारगेट फाइनेंसिंग रिलेटेड टू टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यहाँ पे बेसिकली टेररिज्म के बारे में बताया है। एनपीओ, एनपीओ बना के अगर आप मान लीजिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो, प्रिवेंशन मेजर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीक्रेसी लॉ, जैसे यूएस में है ना सीक्रेसी लॉ, तो उसी को बोल दिया गया यूएस सीक्रेसी लॉ। कस्टमर ड्यू डेलीजेंस, कस्टमर को ड्यू डेलीजेंस करना चाहिए अपने को, कस्टमर ड्यू डेलीजेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये वही हो गया केवाईसी, केवाईसी हो गया सस्पिशियस एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग। ठीक है, तो एक बार ये बस पढ़ के चले जाएंगे अपने। हाँ, रिकॉर्ड कीप करना पड़ेगा, अलग अलग गाइडलाइंस हैं, वो इसमें गाइडलाइन सारा लिख दिया गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर इशू आए आप लोग को, तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, यहाँ पे 100% कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये दोनों से 100% कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, खाली आप लोग एब्रीवेशन देख के चले जाइएगा। हो सकता है एब्रीवेशन कहाँ पूछे, एब्रीवेशन हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले जो कि स्टार्टिंग में एब्रीवेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो डैट मीन्स ये दो दो चैप्टर है ना, वो ऐसे ही ज़बरदस्ती का इसमें घुसा दिया गया है। ठीक है, ये देखिए यहां तक जो है ये पूरा अपने नहीं पढ़ के जाएंगे, खाली बस अपने रीड करके चले जाएंगे, बस रीड करके रखिए कि हो सकता है कुछ आए तो अपने को पता रहना चाहिए। ठीक है, यहां तक ठीक है, डेट मीन्स पेज नंबर 90, कितना नंबर पेज है, पेज नंबर 767। तो बेसिकली अपने क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, देखिए पेज नंबर 767 तक नहीं पढ़ेंगे, 767 तक मतलब खाली रीड करके चल जाएंगे, याद करने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद करने का जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसको अपने को खाली देख के चला जाना है। ठीक है, खाली एब्रीविएशन एक बार देख के चल जाइएगा, और उसके बाद ये याद रखिए जो गाइडलाइंस दिया हुआ है ना कि FATF क्या है, FIU क्या है और AML CFT क्या है, बस ये ध्यान में रखिए जो आप लोग को बता दिया गया। FATF एक बॉडी है जो कि सारा चीज़ को गवर्न करता है। ठीक है, ये देखिए पेज नंबर 725, इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि यहाँ से देखिए FATF.AFI.GOV से निकाला गया है। ठीक है, .org से, तो डैट मीन्स पेज नंबर 725 टू 766 ओनली रीड, खाली रीड करके जाना है। ठीक है, गाइडलाइंस ऑफ रिस्क बेस्ड अप्रोच। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहा, सीरियल नंबर 1 से 40 तक दे दिया, अब फिर यहाँ पे 62 209, मतलब पूरा भी नहीं दिया है, 100% भी नहीं दिया, बीच बीच में से उठा के दे दिया। ठीक है, एक तो रिस्क बेस्ड अप्रोच है फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल, मतलब अकाउंटिंग प्रोफेशनल को क्या फॉलो करना चाहिए, और वो वहां पे है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को और ये सब लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए आपका शॉर्टकट दिया हुआ है, शॉर्ट ये मतलब कि सारा आपका एब्रीवेशन दिया हुआ है, तो एब्रीवेशन आप देख लीजिएगा बस, बाकी ये रिस्क बेस्ड अप्रोच को भी ध्यान नहीं लगाना। खाली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% PMLAC आएगा और कहीं से नहीं आएगा, तो आपको ये बाहर का ऑर्गेनाइजेशन का याद रखने का दरकार नहीं है, जो खाली जो आप लोगों को जिस्ट बताया ना कि ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन, कौन कंट्रीज इसको बनाया है, किस लिए बनाया है, खाली ये ध्यान रखना चाहिए ब्लैक लिस्ट होता है ग्रे लिस्ट होता है ये देखना है, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन देता है, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन को कंट्री को फॉलो करना होता है बाय इनएक्टिंग अ लॉ और एक्ट, जिसके केसेस में क्या कर सकता है वो लॉ और इनएक्ट करके वो मेंबर बन सकता है FATF का, और मेंबर बन जाएगा FATF का तो क्या करेगा उसको लोन ईजिली मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अब अपने पढ़ेंगे आपका PMLA को, और अच्छे से पढ़ेंगे कि PMLA एक्ट क्या है, उसमें क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ऑफेंस क्या होता है, क्या कितना साल का सजा होता है, और साथ ही साथ अपने MCQ इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।